तो दोस्तों मैंने ये हाथ बनाया था रोड और बड़ी ही मेहनत से, और आप देख सकते हैं कि इसकी कैसी हालत हो चुकी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि यार क्या है बताऊँ कि कभी कभार मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कुछ इस तरीके से देखो यार, मैंने बहुत टाइम से इस मेहनत की थी, रिसर्च की थी इसके ऊपर कि हम रोबोट का हैंड कुछ इस तरीके से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो एक इंसान के हाथों की तरह वर्क करे। जैसे मेरी उंगलियां मुड़ती हैं ना कुछ इस तरीके से, वैसे ही वर्क करे। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा इसी के बारे में, और तब मैंने ये एक इसका मैकेनिज्म बनाया था, लेकिन इसकी हालत आप देख सकते हो कि कैसा हो चुका है। तो दोस्तों कभी कभार ऐसे ही होता है कि आपकी जो मेहनत होती है ना वो कभी ख़राब हो जाती है सिर्फ आपके गुस्से की वजह से। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और मन की शांति बनाए रखें, क्योंकि अगर आप गुस्से पर कंट्रोल नहीं करोगे तो जैसे मैंने इसके हाथ को तोड़ दिया, अपने 3-4 महीने की मेहनत ख़राब कर दी, तो उसी प्रकार आपका की गई मेहनत भी ख़राब हो सकती है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक बात और, जैसे मैं इस हाथ को तोड़ रहा था ना, तो तभी ये जो फेस है ना मैं बनाया था मैंने, तो ये मेरे हाथ में नहीं आया। अगर आ जाता तो मैं इसको तोड़ देता, लेकिन यार क्या बताऊँ तो मैं यार उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने की है। कुछ लोगों को लगता है कि आर्टिफिशियल नहीं।